ओम शांति। आज 28 तारीख तो हम पढ़ रहे थे सर्मन ऑन द माउंट। आज का अगला जीसस क्राइस्ट पहाड़ी पर चढ़े हुए अपने शिष्यों से कह रहा है, ई हैव हर्ड दैट इट हैड बीन सेड एन आई फॉर एन आई एंड अ टूथ फॉर अ टूथ। तुम सुन चुके हो कि कहा गया है कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, अर्थात बदला। तुमने ये सुना है कि बदला लो, अगर कोई आंख दिखाए तो उसको आंख दिखाओ। एन आई फॉर एन आई एंड अ टूथ फॉर अ टूथ, ये तुमने सुना है। बट आई से अनटू यू दैट ई रेजिस्ट नॉट इविल, बट हूसोएवर शैल स्माइट दी ऑन द राइट चीक टर्न टू हिम द अदर ऑल्सो। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। क्या कह रहा है ये कि किसी से बदला नहीं लेना। बदला लेने का भाव, प्रतिशोध का भाव, रिवेंज का एटीट्यूड, इसने मेरे साथ ये किया, अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। वो कहता है कि तुमने तुम्हारे शास्त्रों में आज तक यह सुना है कि बदला नहीं लेना है, पर मैं अभी तुमको क्या कह रहा हूं वो सुनो। और वो उसके आगे की बात सुनाता है और बाबा उसके आगे की बात सुनाते हैं। तो ये कहता है कि यदि कोई तुम किसी का सामना नहीं करना, सामना व्यक्तियों का नहीं करना होता है, परिस्थितियों का करना होता है। हमारे पास दो शक्तियां हैं, एक सामना करने की शक्ति और एक सहन करने की शक्ति। तो सहन किसको करना है? व्यक्तियों को। और सामना किसको करना है? परिस्थितियों को। पर अगर उल्टा कर दिया तो क्या हो जाएगा? व्यक्तियों का सामना अगर किया तो लड़ाई हो जाएगी। आज की मुरली में बाबा ने कहा तुमको खीरखंड होकर चलना है, किसी को भी चुगली करना एक, रीस करना दो, हसद करना, ये तीनों भी विकर्म है। हसद अर्थात ईर्ष्या, जेलसी। आज की मुरली में है तुम्हें लॉ अपने हैंड हाथ में नहीं उठाना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। ना लॉ हाथ में उठाओ ना किसी को दुख दो। तुम्हें क्या बनना है? बहुत मीठा। जब तक मीठा नहीं तब तक बाप के प्यारे नहीं। जो मीठा नहीं बनते, जो फरमान को नहीं मानते, उन्हें ईश्वर का नाफरमान बरदार कहा जाएगा। पुचकार नहीं करेंगे बाप उनको। तो ईसा मसीह कह रहा है कि तुमने तुम्हारे पुराने शास्त्रों में सुना है बदला नहीं लेना, परंतु मैं अभी तुमको उसके आगे की बात सुनाता हूं कि तुम्हें किसी का भी सामना नहीं करना है, और यदि कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। कितनी ऊंची बातें वो सिखा रहा है, और बाबा तो इससे भी ऊंची संकल्पों के तल की बातें सिखाता है कि संकल्प में भी किसी आत्मा के प्रति घृणा, नफरत, द्वेष, ईर्ष्या ना हो। सभी के प्रति कैसा भाव हो? शुभ भाव, चाहे रावण हो, जरासंध हो, कोई भी हो, कैसी भी आत्मा हो, उसके प्रति शुभ भाव, क्योंकि शुभ भाव में बहुत शक्ति है, बहुत पावर है। वो अपने दुर्भाव में अडोल है, तुम अपने सद्भाव में, शुभ भाव में अडोल क्यों नहीं रह सकते? फिर वो उसमें अडोल है, तुम इसमें अडोल रहो। वो अपनी बुराई को नहीं छोड़ता, तुम अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ो। तो आज कहा बाबा ने तुम्हें खीरखंड होकर रहना है, किसी को दुख नहीं देना है, लॉ अपने हाथ में नहीं उठाना है, ना किसी की चुगली करनी है, क्योंकि चुगली करना एक सूक्ष्म विकर्म है। किसी का इंप्रेशन किसी के सामने खराब कर देना, यदि कोई एक दूसरी आत्मा के प्रति बहुत अच्छे भाव रखता है, उसको मानता है, उसकी प्रशंसा करता है, हम जाकर उसके कान भर दे और कहे कि ये ऐसा ऐसा है, तो हमने उसके मन से उसको निकाल दिया या उसके भावना कम कर दी, तो ये क्या हुआ? विकर्म।
तो ये तीनों ही विकर्म की श्रेणी में आज गिनाए हैं बाबा ने, साकार मुरली। चुगली करना, रीस करना किसी से, रीस करना अर्थात ईर्ष्यावश किसी के आगे जाने की कोशिश करना, और हसद करना, हसद अर्थात ईर्ष्या, रीस अर्थात कॉम्पीट करना। बाबा ने कहा रेस करो, कॉम्पिटिशन करो, कम्पीट नहीं। कम्पीट अर्थात किसी के आगे इसलिए जाना क्योंकि उसको नीचे दिखाना है, यह है रीस, निगेटिव फीलिंग है उसमें, उसको नीचे दिखाने के लिए, उसको नीचे गिराने के लिए उसमें बदले का भाव समाया हुआ है। तो ये जो बदला है जबरदस्त है, सारा महाभारत जो खड़ा हुआ बदले के भाव से खड़ा हुआ। कैसे? बहुत सारे पात्र हैं महाभारत में, वो महाभारत का कारण ही बदला है अगर एक रीति से देखा जाए। सबसे पहला तो वो अंबा, अंबा जो थी और जिसको भीष्म पितामह रिले किया गया था काशी नरेश से अपहरण करके, तीन कन्याएं, वो एक कहती है कि मेरा तो शाल्व नरेश से प्रेम है, वो उसको छोड़ने जाता है, वो शाल्व उसको लेता नहीं है। अंबा वापस आती है, कहती है अब भीष्म तुम मुझसे विवाह करो, अब मैं क्या करूं। भीष्म कहता है मैं तो प्रतिज्ञाबद्ध हूं, मैं विवाह नहीं कर सकता। वो अंबा शपथ कहती है कि मैं ही तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी, और वही अंबा फिर बाद में श्रीखंडी, और जो मुरलियों में आता है कन्याओं ने क्या किए, बाण मारे भीष्म पितामह को अर्जुन के रथ पर, नहीं तो भीष्म को कोई मार ही नहीं सकता है, कैसे युद्ध पूरा होगा। युद्ध पूरा हो ही नहीं सकता जब तक भीष्म जीवित, क्योंकि उसको इच्छा मृत्यु का वरदान है। तो वो श्रीखंडी बीच में आता है, अर्जुन अपने रथ पे बिठा के लाता है क्योंकि वो तो स्त्री है, और तब भीष्म अपने हथियार डाल देता है और तब अर्जुन उसको मारता है। तो ये सारा जो था अंबा का प्रतिशोध था, बदला, बदले का भाव, उससे इतना बड़ा महाभारत हो गया। एक कारण महाभारत का वो अंबा भी है जो कि श्रीखंडी बनते हैं। दूसरा, अंधे का पुत्र अंधा, दुर्योधन का ऐसा भयंकर अपमान सहन कर नहीं सकता है। तीसरा, द्रौपदी का अपमान, उसके खुले हुए केश। जब तक दुर्योधन की जंगा ना तोड़ दू और जब तक दुशासन की छाती का लहू नहीं ला लू, शांत नहीं बैठूंगा। भीम की प्रतिज्ञा, सारे किसी ना किसी प्रतिज्ञा में बंधे हुए हैं, वो भी प्रतिशोध ही है। फिर कर्ण का प्रतिशोध, कर्ण का अपमान, सूत पुत्र, सूत पुत्र, सूत पुत्र, वो रंगभूमि रची हुई है, वो बीच में से आता है और सब लोग कहते हैं अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर है, वो कहता है मैं हूं, पर उसको पूछते तुम्हारा अपना परिचय तो दो, वो क्षत्रिय ही नहीं है, तुम तो सूत पुत्र हो। और उसका सारे राम महाभारत में अपमान होते रहते हैं हर जगह पर, जब भी कुछ कहने जाता है सूत पुत्र, सूत पुत्र, सूत पुत्र, सूत अर्थात सारथी जो अधिरथ होता है उसका बेटा, तो रथ चलाने वाला, रथवान, सूत। तो वो इसलिए तो दुर्योधन उसकी मदद करता है, दुर्योधन उसको सहारा देता है उस समय, इसके लिए ऋणी बन जाता है, अंग देश का राजा बना देता है रंगभूमि में, इसके लिए ऋणी बन जाता है। और फिर दुर्योधन जो भी पाप कर्म करता है सबका सहयोग देता है, वो सबके साथ भागीदार होता है, वो तो बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, उसे सब पता है कि ये सब उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर वो विवश है, क्या करे, क्योंकि दुर्योधन ने उसको तब मदद की थी जब किसी ने नहीं की थी। दुर्योधन का वो ऋणी बन चुका है, वो ऋण के कारण दुर्योधन की तरफ से पता युद्ध करता है। उसे युद्ध से पहले तो कृष्ण बता देता है कि तुम ज्येष्ठ पांडव हो, फिर भी वो दुर्योधन की तरफ से ही युद्ध करता है। तो ये भी एक बदला, क्योंकि उसका अपमान हुआ था अर्जुन के द्वारा, उसको प्रतिशोध लेना था, तो वो भी किस पर खड़ा है, सारा प्रतिशोध, बदला। तो यहां कहा जा रहा है, ई हैव हर्ड दैट इट हैथ बीन सेड, एन आय फॉर एन आय एंड अ टूथ फॉर अ टूथ, परंतु मैं क्या कहता हूं तुमसे, बट आई से अनटू यू दैट ई रिजिस्ट नॉट इविल, बट हूसएवर शैल स्माइट थी ऑन दाय राइट चीक टर्न टू हिम द अदर ऑल्सो, जो तुम्हें तुम्हारे दाहिने गाल पर मारे उसको उसके सामने बाया भी कर दो। हमें किसी से युद्ध नहीं करना है, रहम भाव सभी के प्रति।
आगे देखो क्या कह रहा है. एंड इफ एनी मैन विल सू धी एट द लॉ एंड टेक अवे thy कोट लेट हिम हैव thy क्लोक also. यदि कोई तुम पर मुकदमा दायर करे और यदि कोई तुझ पर नालिश, नालिश अर्थात मुकदमा करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे. दोहर अर्थात यदि कोई हमारा कुर्ता छीने तो उसको अपनी शाल भी दे दो. कुर्ता भी ले लो और शाल भी ले लो. कोई अगर एक लेना चाहे और छीनना चाहे और तुमको तुम्हारे पर मुकदमा करे तो उसको कहे भाई तू ले ले, तुझे जो चाहिए वो ले ले, हमको नहीं चाहिए और छोड़ दो. ये ऐसा कह रहा है आगे. एंड whomsoever shall compel thee to go to a mile, go with him twain. और कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए बिना परिश्रम के, तुझे एक माइल तक, एक मील तक जबरदस्ती खींच कर ले जाए तो तुम उसके साथ दो मील तक जाओ उसका काम कराने के लिए. वो अपना काम कराने के लिए तुमको जबरदस्ती घसीटते हुए ले जाए एक मील के लिए, एक मील की दूरी पर, तो तुम क्या करो, दो मील जाओ उसके साथ. नहीं, जबरदस्ती ले जा रहा है ना. फिर आगे, गिव टू हिम दैट आस्केथ थी एंड फ्रॉम हिम दैट वुड बोरो ऑफ थी टर्न नॉट थाउ अवे. और जो कोई तुझसे मांगे उसे दे दे और जो कोई तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़. एक ऐसी शिक्षा है देखो, बड़ी ऊंची. और किस जमाने में दी गई? उस जमाने में जहां परस्पर विरोध था, अपमान था, जहां लोग एक दूसरे से नफरत करते थे, घृणा करते थे. उस युग में आके ये जीसस क्राइस्ट ये प्रेम की शिक्षाएं दे रहा है कि जो तुम्हारा अपमान करे, जो तुमको लूटना चाहे, एक्सप्लॉइट करे, शोषण करे, उसके प्रति भी रहम दिल. ये शिक्षाएं उस जमाने में दी जा रही है जहां पर वो ज्यूज जो थे, वो यहूदी बहुत नफरत और घृणा से भरे हुए लोग थे, उनको वो ये प्रेम की शिक्षा दे रहा है. उनको बता रहा है कि परमात्मा प्रेम है, गॉड इज लव. आगे, ये हैव हर्ड दैट इट हैज बीन सेड थाउ शैल्ट लव थाय नेबर एंड हेट थाइन एनिमी. तुम सुन चुके हो, वो कंपेयर करता है कि तुम्हारे पुराने शास्त्रों में ये लिखा है पर अब मैं ये कहता हूं, तुम्हारे पुराने शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है पर अब मैं ये कहता हूं. यहूदियों के भी शास्त्र थे पुराने, उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी थी, पर अब मैं जो तुमको कह रहा हूं ये नया शास्त्र है, न्यू स्क्रिप्चर. वो कहता है कि तुम्हारे पुराने शास्त्रों में लिखा है कि अपने जो पड़ोसी है उससे प्रेम करो, परंतु अपने जो बैरी है उससे बैर करो, उससे घृणा करो, उससे नफरत करो, जो तुम्हारा दुश्मन है. जीसस क्या कहता है, बट आई से अन टू यू लव योर एनिमीज. जो तुम्हारे शत्रु है उनको क्या करो, उनको प्यार करो. ब्लेस देम दैट कर्स दी. जो तुमको शापित करे, तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र करे, उनको क्या करो, दुआएं दो, आशीर्वाद दो. ब्लेस देम दैट कर्स यू. डू गुड टू देम दैट हेट यू. जो तुमसे घृणा करता है उनके प्रति तुम भला करो. एंड प्रे फॉर देम विच डिस्पाइटफुली यूज यू एंड परसिक्यूट यू. और जो तुमको सताता है और जो तुमको यूज करता है, शोषण करता है, तुम्हारा फायदा उठाता है, उसके लिए क्या करो, प्रार्थना करो. कितना बड़ा हृदय है, कितनी ऊंची शिक्षाएं हैं. पर बाबा की शिक्षा इससे भी आगे की है, उसका कल्याण करो अर्थात क्या करो, ये इसमें कुछ बताया नहीं है, कल्याण करो. तो परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि तुम अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, चाहे आत्माएं कैसी भी हो. कैसी है वो, परवश है, दुखी है, और जो भी पाप कर रही है उस अज्ञान के अंधकार के वश कर रही है, इसके लिए उनके प्रति नफरत, उनके प्रति घृणा रखना, उनके प्रति बैर भाव रखना. हम देखते हैं जैसे ही कोई ज्ञान में आता है और उसके घर वाले ज्ञान में नहीं रहते तो उनके प्रति कौन से भाव होते हैं, उसके घृणा के. एक माता है और जिसका पति शराब पीता है और बहुत शराब पीता है, और वो मन में सोचती है कि ये ज्ञान में आ जाए, परंतु उसके मन में उसके प्रति गहरी नफरत है, तो क्या वो ज्ञान में आएगा?
जब तक हृदय में नफरत है, शत्रु का भाव है, ये तो चलो वो कुछ कर भी नहीं रहा है, पर वो लोग जो हमें सताने वाले हैं, गिराने वाले हैं, यूज करने वाले हैं, उनके प्रति क्या भाव रखे। फिर से महाभारत में आते हैं। महाभारत में पांच पांडव, चारों को, चार पांडव जो है, सभी के मन में घृणा है दुर्योधन के प्रति, सभी के मन में घृणा है शकुनी के प्रति, कंस और कर्ण के प्रति, दुशासन के प्रति। एक युधिष्ठिर ही एकमात्र ऐसा है जो कि जिसको कभी भी घृणा का भाव आता ही नहीं है, हमेशा कहता है कि वो हमारा छोटा है, अनुज है। अगर दुर्योधन लास्ट मोमेंट में भी आ गए, अगर माफी मांग दे, तो शायद युधिष्ठिर ने माफ भी कर दिया होता। तो यो यात्रा जो है ये हमारे जीवन की, वो है अर्जुन से युधिष्ठिर बनने की, अर्जुन से युधिष्ठिर, क्योंकि अर्जुन कितनी बार क्रोध से भर गया, कितनी बार उसको वो अपमान याद आया, परंतु ये सब होते हुए भी युधिष्ठिर एकदम शांत है। उसका कभी दुर्योधन के प्रति दुर्भाव है ही नहीं, कितना भी हो जाए तो वो कहता है हमारा छोटा है, हमारा अपना है, हमारा भाई है। वो नफरत उसके हृदय में है ही नहीं, जबकि दुर्योधन ने ऐसे ऐसे षड्यंत्र किए, लाक्षाग्रह, कूट, द्युत क्रीड़ा, द्रौपदी वस्त्रहरण, सब कुछ, परंतु युधिष्ठिर के मन में उसके प्रति कुछ भी नहीं है। तो क्या बनेंगे, अर्जुन या युधिष्ठिर? और पूरा अज्ञातवास, और वो 12 वर्ष युधिष्ठिर पश्चाताप कर रहा है कि मैंने अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया, इसलिए उसे बोध है अपने अपराध का, यदि उसको है भी। तो क्या कहा जा रहा है यहां पर, फिर से पढ़ते हैं कि तुमने सुना होगा कि कहा गया है कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, पर मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। किसी से भी बदले का भाव न रखना। किसी अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा है, जब तुम्हारे दिल से, हृदय से बदले का भाव समाप्त हो जाएगा, तुम संपूर्ण बन जाओगे। यहां तक बाबा ने कहा है, बदला लेना। और ब्राह्मण किस तरह बदला लेते हैं प्रकाश भाई? ब्राह्मण बदला कैसे लेते हैं एक दूसरे से? टॉन्ट करेंगे और नहीं, बदला थोड़ा अलग होता है। बदला कैसे लेते हैं? उसने हमारी सहायता नहीं की थी, अब आने दो उसको हमारे डिपार्टमेंट में, हम भी सहायता नहीं करेंगे। हम उसके पास गए थे तो उसके पास था, पर फिर भी उसने दिया नहीं, बुक दिया नहीं। अब हमारे डिपार्टमेंट में आ जाओ, मांगना, फिर देखना, फिर देखेंगे। उसने उससे, उसके डिपार्टमेंट से हमको कुछ सहयोग नहीं मिला, अगली बार हम भी नहीं देंगे। उसको एक सेवाधारी चाहिए था, हमने नहीं दिया, अब अगली बार उसने नहीं दिया तो अगली बार हम भी नहीं देंगे। सूक्ष्म बदले का भाव, उस सेंटर ने ऐसा किया, अब अगली बार हम ऐसा करेंगे। बदले का भाव, ये प्रतिशोध का भाव, बदले का भाव, रिवेंज का भाव बहुत सूक्ष्म है। हमने अगर देखे, अपनी चेकिंग करे, तो कई लोगों को हमने माफ नहीं किया है, वो सारे लोगों को जिन्होंने हमारे साथ कटु शब्द बोले, दुर्व्यवहार किया, हमने वो गांठ अभी भी बंधी हुई है हृदय में, माफ बिल्कुल किया नहीं है, और वहां पे कठोर है। जैसे गन्ना होता है ना, बीच में गांठ होती है, ये गन्ना, यहां गांठ, फिर यहां गांठ, और जहां गांठ होती है वहां कैसा होता है? वहां जूस नहीं होता है, वहां नमकीन जहां गांठ होती है वहां क्या होता है? कठोर होता है, कड़क होता है, दांत से काटने पे भी मुश्किल, उसको फेंक दिया जाता है। तो हमारे हृदय के गन्ने में भी ऐसी कई गांठे हैं, पर वो गांठ में स्वाद नहीं होता है। तो ये जो भाव है, इस पर काम करना है, अपने आप को देखना है, मेरे अंदर किसको, किसके प्रति बदले का भाव है। किसी से मैं बदला तो नहीं लेना चाहता हूं, किसी भी कारण से और किसी भी रीति से। माफ करने के लिए बहुत बड़ा हृदय चाहिए, बहुत बड़ा, विशाल हृदय,
ऊपर से तो कोई कह भी दे मैंने माफ कर दिया, पर वो माफी होती नहीं। आज की मुरली में यदि तुम्हारे मुख से उल्टा सुल्टा निकल जाए तो क्या बोलो? आई एम सॉरी बोलो। पर आई एम सॉरी किसी ने बोला फिर भी हम उसको स्वीकार नहीं करते, हम उसके प्रति घृणा भाव रखते ही है। तुमने इतना बड़ा पाप कर दिया और सॉरी बोल दिया, हो गया क्या काम? हम थोड़ी ना माफ कर देंगे तुमको इतना आसानी से। वो बेचारा माफी मांग रहा है पर हम माफी नहीं देंगे, ये भाव। तो यहां कह रहा है, एंड इफ एनी मैन विल सू थी एट द लॉ एंड टेक अवे द कोर्ट गिव हिम दाई क्लॉक ऑल्सो, कोई तुम्हारा कोर्ट लेके जाए तो उसको क्या बोलो? शॉल भी लेके जाए, ये लेके जा रहा है तो वो भी लेके जाए। एंड हूसएवर शैल कंपेल थी टू गो टू अ माइल गो विथ हिम ट्वेन, एंड और जो कोई तुझे कोस भर बेगार, बेगार अर्थात बिना पारिश्रमिक, बिना पैसा दिए जबरदस्ती खींच कर लेके जाए, एक कोस तो उसके साथ दो कोस चले जाओ, और जो कोई तुझसे जो मांगे उसे दे दो, और जो कोई उधार लेना चाहे उसके उससे मुख न मोड़। तुम सुन चुके हो कि कहा गया है कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, पर मैं क्या कहता हूं तुमको? परंतु मैं ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखना, लव योर एनिमीज। और वो एनिमीज हमने नहीं तैयार किया, जैसे पांडव उन्होंने कभी किसी से बैर नहीं रखा, पर उनके बहुत सारे शत्रु खड़े हो गए अपने आप ही, क्योंकि जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसके ढेर सारे शत्रु स्वतः ही खड़े हो जाते, क्योंकि लोग सहन नहीं कर पाते सत्य। जो धर्म के मार्ग पर चलेगा, सन्मार्ग पर चलेगा, उसके आप ही शत्रु खड़े हो जाएंगे। ये नियम है, क्योंकि लोगों को पसंद नहीं आता है धर्म। वो सोचते हैं जो एकदम तीव्र पुरुषार्थ करने निकले तो बाकियों में हलचल हो जाती है, पसंद नहीं आता है उनको, बड़ी घृणा की दृष्टि से देखते हैं जो तीव्र पुरुषार्थ करता है। टॉन्ट, हाँ, कोई उससे गलती हो जाए और उसको कुछ बोल दिया जाए, हाँ ऐसा करते हो तुम तो, बहुत ये करते थे वो करते और ये करते हो, तो अवसर की तलाश में रहते हैं। लव योर एनिमीज। पर ये जो कल रात में भी कह रहे थे, जो निंदक करने वाले हैं वो बड़े ही हमारे काम के लोग हैं, बहुत 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 हमारा फायदा करते हैं। वो एक चिकित्सक की भांति है, अगर कोई घाव हो गया है, मवाद है, तो डॉक्टर कैसे छुरा लगाता है और पस बाहर निकालता है, वैसे भी हमारे अंदर कोई छिपी हुई कमी कमजोरी है वो हमारे प्रशंसक थोड़ी ना दूर करेंगे। प्रशंसा करने के बाद तो गदगद हो जाते हैं, तो अंदर की चेकिंग खत्म हो जाती है। हाँ कोई निंदा करता है, कोई अगर बोल दे तुमने बोला तो ऐसा था और खुद तो कुछ नहीं करते, जैसे इसी यज्ञ का एक उदाहरण है, बहुत समय पहले किसका है हमें पता नहीं, एक बहन किसी जगह क्लास कराने गई, और क्लास कराने से पहले बाहर कोई वर्कशॉप कोई सेमिनार, और उसने कहा कि मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूं कि सब अपना अपना मोबाइल बंद कर दे, एक बार भी मोबाइल बजना नहीं चाहिए क्लास के दरमियान, सब अपना मोबाइल या तो साइलेंट कर दो या ऑफ कर दो, स्विच ऑफ कर दो। उसने बड़ा स्ट्रेस देकर यह कहा कि बंद कर दो, और सबने बंद कर दिया। उसका क्लास चालू है, 5 मिनट के बाद उसी का मोबाइल जोर से बजा। फिर एक भाई ने सीधा खड़े रह के बोल दिया, पहले अपना तो देखो बाहर का। I say unto you, love your enemies, bless them that curse you. जो तुम्हें शाप दे उनके लिए क्या करेंगे माता जी? कोई शाप दे दे कि तुम्हारा कभी भला ना हो गया, तुम कभी तीव्र पुरुषार्थ नहीं कर पाओगे, भगवान कहे तुम्हारा अमृत वेला रोज मिस हो, ऐसा कोई शाप दे तो उसके लिए क्या कहेंगे? तुम्हारा रोज बहुत अच्छा हो। बद्दुआ देने वाले के लिए क्या करेंगे? नहीं, जो बद्दुआ दे उनके लिए हम आशीर्वाद दुआए, ये बड़ा मुश्किल काम है, उसके लिए बहुत सारी छोटी मोटी चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा, बेहद ऊपर चोटी पर बैठना पड़ेगा, साक्षी भाव, डिटैचमेंट, शुभ भावना है, उसके बाद ही ये काम किया जा सकता है। उसे रहम दिल, हम पूर्वज है, बहुत सारे भाव मन में लाने पड़ेंगे। तो जो तुम्हें शापित करे उनके प्रति दुआएं दो। डू गुड टू देम दैट हेट यू, जो नफरत करे उनका भला करो। एंड प्रे फॉर देम, उनके लिए प्रार्थना करो
जो तुम्हें तुम पर अत्याचार करे। तो ये ऐसी कुछ आज की शिक्षाएं थी। ओम शांति।